और इस बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। पूर्व राजस्व कर्मी को रिमांड पर लेगी ईडी। बड़गाई के पूर्व राजस्व कर्मी को ईडी रिमांड पर लेगी। हेमंत और भानु से पूछताछ की जा सकती है, आमने सामने बैठकर पूछताछ हो सकती है। भानु प्रताप प्रसाद ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिया था और पहली बार भानु प्रताप ने ही हेमंत का नाम लिया था। बड़गाई अंचल की जमीन के कागजात बनाने को लेकर उन्होंने बयान दिया था और इसी आरोप को ईडी की टीम वेरीफाई करेगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के रिमांड का चौथा दिन है और आज की पूछताछ कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। रिमांड पर ईडी की टीम दो लोगों को ले सकती है। हेमंत सोरेन हैं और भानु से भी आज पूछताछ की जा सकती है, जिन्होंने सबसे पहली दफा मुख्यमंत्री पूर्व हेमंत सोरेन का नाम लिया था। दरअसल ईडी बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी रिमांड का आज चौथा दिन है और आज की पूछताछ कई मायनों में बेहद अहम बताई जा रही है। दरअसल ईडी बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को रिमांड पर लेकर हेमंत सोरेन के साथ साथ आमने सामने पूछताछ कर सकती है। इस पर ईडी दफ्तर से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिमांड का आज चौथा दिन है। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को ईडी रिमांड पर लेकर आज ईडी कार्यालय पहुंचेगी करीब 11 बजे और संभव है कि हेमंत सोरेन और राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर जिस सेना की जमीन चर्चा में है उसको लेकर पूछताछ किया जाए। कल 5 दिनों का रिमांड जो है 7 फरवरी को पूरा होने जा रहा है और संभव है कि ईडी एक बार फिर जो है हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने के लिए पीएमएलए कोर्ट से आग्रह कर सकती है। आपको बता दें कि कल का जो दिन था जब विधानसभा में विश्वास मत पेश किया गया था, उस दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जबरदस्त आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी जो है वो आदिवासी चेहरा नहीं देखना चाहती, लिहाजा उन्हें परेशान किया जा रहा है। और तकरीबन 11 बजे से लेकर दोपहर 2:45 तक हेमंत सोरेन विधानसभा में रहे थे, लेकिन आज का दिन बेहद अहम है जब हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा सकता है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज का दिन बहुत ही खास और अहम है। ईडी की तरफ से पूछताछ होनी है, पूर्व राजस्व कर्मी की भी रिमांड होगी। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय